वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पैटी बर्गर्स। ये जो आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको, ये बहुत ही यमी सी पैटी जो है हमने घर में तैयार की है। सो कीप वॉचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी, ये चिकन पैटीज बनाने के लिए हमें ब्रेड के 4 स्लाइसेस चाहिए, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और हमें साथ चाहिए 6 से 7 अदद लहसुन के जवे और 1/2 kg चिकन है। बस यही चीज़ें हमें चाहिए। तो जनाब, अब हमने सबसे पहले जो हमारी ब्रेड है इसके कॉर्नर्स को रिमूव कर देना है। इक्वली रिमूव करेंगे हम सारे, और ये जो कॉर्नर्स हैं इनका हमने बनाना है ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है ब्रेड क्रम्ब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप इसका भी बना सकते हैं। और ये फिर आपको जब लास्ट में हम इसकी पैटीज बनाएंगे तो तब यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी जल्दी से हम इसे रिमूव कर लेते हैं। वीडियो को काइंडली लास्ट तक फुल वॉच किया करें और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए छोटी छोटी रेसिपीज़ लेके आती हूँ और जो कि इजी भी हों। तो ये देखिए, अब हमने सबसे पहले अब ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं इन्हें मैं चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी और इनका जो है वो ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा। तो आप ये ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं जब पैटी की कोटिंग आप करेंगे। अब हमने जो हमारा जितना भी चिकन था, ब्रेड के स्लाइसेस थे और जो हमारे ये चीज़ें थी, सॉल्ट और ब्लैक पेपर और लहसुन के जवे, इन सबको डालना है चॉपर में और इन्हें भी अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लेना है। फाइन चॉप करना है, हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से चॉप हो जाए हर चीज़ उसमें। सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, आप कम या ज़्यादा जितना भी लेते हैं। तो अब यह देखें जी, ये अच्छी तरह हमारा जो है चिकन वो चॉप हो चुका है और अब हम इसके पैटीज बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसको अच्छे तरीके से सेट करना है। अब आपने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इस तरह इसे आपने अपनी शेल्फ़ पे या फिर जहाँ भी आप जो है रोटी बेलते हैं उसके ऊपर इस तरह इसे रख लीजिएगा और अपने हाथों की मदद से ऑयल लगा के उसे तो अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा चिकन को, ताकि इक्वली वो मोटा या कहीं से बारीक ना रहे, वो सारा जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो ये देखिए, अभी मेरी मम्मा जो है वो इसी तरह कर रही हैं और ये मेरी मामा की रेसिपी है और वो हमें हमेशा इसी तरह बना के देती हैं। अब ये जी देसी स्टाइल आ गया, हमारे पास कोई सांचा तो था नहीं पैटीज के लिए, लेकिन हमारे पास ये कप था तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो बर्गर का साइज़ है ना, उतनी पैटी हमारी बनती है इससे, तो हमेशा इससे ही बनाते हैं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप भी इसी से काम चला लीजिएगा। तो यार, अब यहाँ पर हमने जल्दी से इसे उठाना है इस तरह फोक की मदद से और इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे बना बना कर। ठीक है, तो अभी इसकी हमने कोटिंग करनी है तो वो भी आगे चल के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच किया करें और कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें। इसमें अब हमने यहाँ पे लिया है 1 अदद अंडा, उसे मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है यहाँ पे। और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये हमारे पास ऑलरेडी थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप न्यू भी बना सकते हैं। अब हमने सबसे पहले इसको अच्छी तरह कोट करना है अंडे में और उसके बाद हमने इसे ब्रेड क्रम्ब में रख देना है। देन हम इसे दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फिर हम इसे सेपरेट ट्रे में रखते जाएंगे। आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होता। जब भी आपका दिल चाहे बर्गर खाने को तो आप निकालें फ्रीज़र से और इसे फ्राई करें। तो जी, ये देखें, अभी हमने ये 5 पैटीज जो हैं ये रेडी कर लिए हैं। इसी तरह हम बाकी सारे भी कर लेंगे जल्दी से। और ये देखें, अब हमने सारे बना लिए हैं। आप चाहें इसे पैटीज़ की शेप भी दे सकते हैं, इसे नगेट्स की शेप भी दे सकते हैं। ये हमने एक नगेट्स भी बना लिया है इसमें, क्योंकि हमारे पास लास्ट पे इतना सही बचा था पीस कीमे का तो हमने उसका नगेट्स बना लिया है। तो ये हमारे बनके हो गए हैं बिल्कुल रेडी। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और देन फ्राई कर लेंगे। 2 hours later तो जी, अब हो चुकी है शाम और हमने आज खाने हैं बर्गर डिनर में। तो अभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ पैटीज़ को, आप देख लें। ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे और फिर इन्हें बाहर निकाला थोड़ी देर के लिए और देन मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सिंपल सी है और ये मैंने बन भी मंगवा लिया था और उसमें केचप और मायोनीज लगा रही हूँ। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई अंदर चीज़ चाहिए, मतलब सैलड चाहिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे भाई जो है वो सैलड के इतने शौकीन नहीं है तो उन्हें बस मैं केचप और मायोनीज लगा कर ही देती हूँ। तो जी, अब आपने इस तरह स्प्रेड कर देना है पूरा अच्छे तरीके से और हमारा जो बर्गर है यमी सा वो बनके हो गया है बिल्कुल रेडी टू ईट। और ये पैटी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी।
मजेदार।